इंस्पेक्टर राकेश कदम एक बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे। वो बहुत ईमानदारी से बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने आप पर गोली क्यों चलाई? गन पे ट्रिगर दबाने वाले वो खुद जरूर थे, लेकिन चलाने वाला कोई और था। जयकांत शिकरे। मिसेस कदम ने ऐसा आरोप लगाया है कि उनके पति की मौत के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? डेमोक्रेसी, कोई कुछ भी बोल सकता है। वो बेचारे अपने हस्बैंड की इमेज को बचाने के चक्कर में मेरे को टारगेट कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती दूसरे पे कीचड़ उछालने से खुद पे लगा दाग साफ नहीं होता। लेकिन मिस्टर शिकरे, मिसेस कदम का ये भी कहना है कि आपके कई गैर कानूनी धंधे हैं। मैडम मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा बिजनेस है और ये होटल चलाता हूँ, फॉरेन टूरिस्ट लोगों का सेवा करता हूँ, अतिथि देवो। मिसेस कदम का ऐसा कहना है कि आपके दबाव में आकर उनके पति ने खुद को गोली मार ली। अच्छा, एक मिनट, ये लो, खुद को मार। मैं जयकांत शिकरे बोल रहा हूँ, शूट योरसेल्फ। अरे यार, मेरे कहने से लोग सुनते तो करीना कपूर को प्रधानमंत्री बना दो। हाँ देखिए, राकेश कदम एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर था, उसके गिल्ट ने उसको जीने नहीं दिया तो उसने खुद को गोली मार दी। अगर फिर भी आप लोगों को मैं गलत लगता हूं तो मुझे गोली मार दीजिए, मारून टाका मला काय वाटणार नाही, मुझे सजा दीजिए। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी। नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा, तेरा मरना तो पक्का है जयकांत, देख लेना जयकांत, तेरा इंसाफ अब वो करेगा, वो।